अभी हम इंक्वायरी देने आए हैं और यहाँ पे मुझे थोड़ी ये सर को दिखा के नोज की स्पेलिंग देख सर को गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। और आज है हमारा एग्जाम और आज पता मैं 8:30 बजे उठी हूँ। 9 बजे से एग्जाम, मतलब 9 बजे हम निकल रहे हैं एग्जाम के लिए और मैं 8:30 बजे उठी हूँ। तुम देख रहे हो मैं सो ही रह गई और अलार्म लगाना भी भूल गई। फिर नितेश ने उठाया मेरे को फोन करके, फिर मैं फटाफट उठी। मैंने चाय भी नहीं पी यार, आज दुख तो इस बात का चाय नहीं पी है। अभी देखते अगर टाइम बचेगा तो रेडे से ले लेंगे साथ में चाय, वरना फिर बिना चाय के एग्जाम देना पड़ेगा, उसके बाद चाय पीनी पड़ेगी। ओह बहुत ज्यादा हेक्टिक हो रहा है। चलो भाई लोग चलते हैं। आज हमारे एक वो भी है, वाइवा भी है, एग्जाम तो है ही। Let's go! और अंजलि दीदी ने देखो मेरे को कीरिंग लगा के दे दी। मैंने चाबी खो दी थी ना पिछली बार, तो अंजलि दीदी ने इतनी बड़ी क्यूट सी शिनचैन वाली कीरिंग लगा के दे दी कि अब तो खोएगी ही नहीं। दोस्तों हम पहुंच गए हैं कॉलेज और आज हम गाड़ी पार्क करने वाले हैं गेट नंबर 2 पे। मैं कह रही थी इसने मेरे को चाय नहीं पीने दी, कह रहा नहीं कॉलेज के अंदर पी लियो, बाद में पी लियो, अब तो पेपर देने जाना है उसके बाद ही पी लो। टाइम देख रही कितना हो रहा है? 20 मिनट है अभी। 20 मिनट 20 मिनट है अभी। हाँ। तो अभी अंदर जाने में कितना टाइम लगेगा? नहीं तो पी ले, एक काम करते तो छोड़ देता हूँ, चाय पी के आराम से आई हूँ मैं। जा दोस्तों कितने भी चीजें ले लो, कुछ भी कर लो, जो इंसान की आदत है ना वो आदत वैसी ही रही। बकवास मत कर ज्यादा, रुक जा तू, पेपर खत्म होने दे, फिर बता दे तुझे। रुक हां नहीं तो आया बड़ा मार्क्स, किसके साथ आते मेरे। अरे यार चल एंड में देख ले गाइस, रिजल्ट दिखा देंगे आपको। इस बार ही हमारा जो ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा चारों ईयर का मिला के वो दिखा देंगे, ठीक है? किसका ज्यादा है? मेरा। देख लेंगे ना, वही तो कह रहा हूं दिखा देंगे। चलो ठीक है अभी चलते हैं कॉलेज। बाय गाइस। तो भाई हम पहुंच गए हैं कॉलेज और आजकल ना कॉलेज में बिल्कुल भीड़ नहीं हो रही, वाले बहुत कम बच्चे, आजकल सबके एग्जाम्स चल रहे हैं ना इसलिए भीड़ भाड़ नहीं हो रही है। देखो आज हम सोच रहे हैं कि कॉलेज के बाद या तो मूवी या तो बोलिंग, बोलिंग चल रहे हैं। कुछ खा भी लेंगे क्योंकि खाना तो पड़ेगा ही, भूख मेरे को तो अभी से लग रही है। तो हम एग्जाम के बाद जाएंगे बोलिंग करने, उसके बाद 2 बजे से हमारा वाइवा, फिर कॉलेज आएंगे, फिर वाइवा देंगे। Dear hair, I'm sorry for making you turn dry, dull and rough. Sorry for all the damages and breakages which made you weak. वैसे मैंने सुना है कि हिबिस्कस और करी लीव्स बालों के डैमेज को रिपेयर करती है। सो आई हैव मामा अर्थ हिबिस्कस डैमेज रिपेयर हेयर ऑयल एंड मामा अर्थ हिबिस्कस डैमेज रिपेयर शैम्पू। तो चलो अब बिना किसी देरी के इसे अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। मामा अर्थ हिबिस्कस डैमेज रिपेयर हेयर ऑयल मेरे बालों को रफ, ड्राई एंड टैंगल हेयर एंड स्प्लिट एंड से रिपेयर कर देगा। और हाँ मैं मामा अर्थ हिबिस्कस डैमेज रिपेयर शैम्पू भी यूज़ करूँगी, विच इज़ नेचुरल एंड रिजल्ट्स आर सो मच बेटर देन दी अदर केमिकल शैम्पू। एंड रिजल्ट्स आप देख ही सकते हैं, माय हेयर फील्स एंड लुक्स सो मच हेल्दियर। एंड एज प्रॉमिस्ड मैंने अपने बालों को डैमेज हेयर से रिपेयर कर ही दिया। मामा अर्थ इज ऑल अबाउट गुडनेस इनसाइड एंड दिस गुडनेस डजंट जस्ट लाई इन द प्रोडक्ट बट ऑल्सो इन द वैल्यूज दैट दे स्टैंड फॉर। प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव, एवरी टाइम यू बाय फ्रॉम देम मामा अर्थ विल लिंक योर ऑर्डर ऑन द वेबसाइट टू अ प्लांट दैट दे प्लांट। बाय 2025 मामा अर्थ प्लान कर रहा है 1 मिलियन ट्रीज प्लांट करने का। जैसे कि आप लोगों को पता ही है मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स आपको अमेजोन, नाइका, फ्लिपकार्ट एंड पर्पल पे मिल जाएंगे, पर अब ये आपको आपके नजदीकी स्टोर्स में भी मिल जाएंगे। और आप लोग मुझे मैसेज या कमेंट डाउन कर सकते हैं जब भी आपको आपके आसपास कहीं भी मामा अर्थ का स्टोर दिखे। और आप लोग मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं KD2024 टू गेट 20% ऑफ ऑन मामा अर्थ ऑफिशियल वेबसाइट एंड ऐप। हमारा एग्जाम ना सबसे पहले हो गया था मेरा और इसका, हम दोनों अगल बगल ही बैठे थे। अभी तेरा नहीं हुआ था, हमारा हुआ था। टैक्स टैक्स तो कोई बात नहीं तेरा, फिर भी बहुत देर में हुआ हमारा, क्योंकि 11 बजे 1 घंटे में पेपर कर लिया था भाई, 1 घंटे में भाई सबसे पहले। हाँ भाई बट सही गया मस्त। भूख लग रही है बहुत ज़्यादा क्योंकि ना मैंने सुबह चाय पी थी ना मैंने ब्रेकफास्ट किया था। और अभी अरे ठीक है यार हो गई लेट। अभी हम सोच रहे हैं हमारे सर ने हमको परमिशन दे दी कि हम पहले वाइवा दे सकते हैं, तो हम सोच रहे हैं कि अभी दे देते हैं। 2 बजे से दवाई वा, बट हमने काम इतनी जल्दी कर दिया। और इसकी इसकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है ना, ये जाके ठंड लग रही है तेरे को कितनी गर्मी हो रही है, ठंडे तो रखे। चलो यार वेट कर लेते हैं, अभी हम जा रहे हैं कुछ खाने। देव विपुल ऊपर ही हैं अभी बैठे हुए, कोई सर भी यहीं पे हैं खाना खाने जा रहे हैं, जिन्होंने हमारा प्रैक्टिकल लेना वो भी यहीं। हाँ वो भी खाना खाने जा रहे होंगे, तो चलो हम भी खा ही लेते हैं। टाइम आधा घंटा और पोस्टपोन हो गया था हमारा वाइवा। देखो कितना खाली खाली लग रहा है कॉलेज, पूरा खाली खाली कॉलेज है, सिर्फ कुछ कुछ बच्चे आ रहे हैं एग्जाम वाले। तो मेरे को एकदम से चक्कर आए भाई, हे राम कुछ नहीं खाया मैंने सुबह से, कुछ खाया भी नहीं, आएंगे चक्कर। तो हमने मंगाया लेमन पेपर मैगी, पाव भाजी, चाय। और ये मैगी ना बहुत टेस्टी होती है, बहुत बढ़िया, तो खाते हैं।
भाई अभी हमने मैगी खाई, पाव भाजी खाई, अब चिली पोटैटो भी मंगा दिया और ये लोग भी आ गए। सही हो रहा है वैसे, क्रिस्पी तो है, कच्चा नहीं है। इतना खा लिया, इतना खा लिया, अब लास्ट में से पेस्ट्री भी ले ली। तो अब हम जा रहे हैं ऊपर, लास्ट में मैंने थोड़ी ली, तूने ली। मुझे तो मीठा वैसे भी ज़्यादा पसंद नहीं है। क्या तेरे को मीठा नहीं पसंद? बिल्कुल नहीं पसंद। वाह, आयरनी देख रहे हो भाई। अभी हम इंटवाइवा देने आए हैं और यहाँ पे मुझे अपनी कहाँ पे चल रहे हैं। अच्छा यहाँ पे हो रहा है। ओ, तेरे को पता नहीं यहाँ पे चल रहा है? नहीं, मेरे को लगा उधर वाले कैब में। सच्ची है भाई, 50 रुपए गाड़ी ओवर राइड। कसम से, कसम से मेरे को नहीं पता। सर के साथ भी ब्लॉग बना लूं तो दोस्तों अभी मैं आई हूँ। बोलो भाई यार, ठीक केबिन के बाहर देख लो कैसी हरकतें करते हैं। वही तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा क्या ये। मुझे समझ ना आ रहा सब, एक से एक महान। मैं अपना काम देखता हूं। क्या बढ़िया एड कैंपेन बनाया इसने। सेफ्टी फर्स्ट, ये पढ़ो तुम पहले, सोशल पढ़ो। मेस यू वांट एंड मेस यू डोंट। तेरे को पीले कलर पे बोला था ना, ये एग्स डिजर्ट इज सर्वड गाइस। फिर बोलेगा सूट अप वेल भी पूरी हो रही है। क्या बात है, क्या कैप्शन दे रहे हैं। पर भाई ऐसे सोशल टॉपिक पे भी काम कर रहे हैं, पीला कलर है ना। अच्छी, अच्छा बनाया भाई ऐड कैंपेन, बढ़िया। मेरा यूएसपी बहुत दिमाग चलाया है, बहुत दिमाग। हिम्मत चाहिए होती है ऐसे टॉपिक चूज करने के लिए, है ना। तेरे में है हिम्मत? मेरा जो बटन बंद कर लेता हूं उसमें मुझे काफी हिम्मत बाहर निकल रही है। मेरी हिम्मत ज्यादा बाहर निकल रही है। देव का बहुत देर से चल रहा है। ओ, आ गया, आ गया, आ गया। कैसा हुआ? चला ना रहा ना। नहीं मैं अपना असाइनमेंट दिखाती हूँ, मैं अपने काम दिखाती हूँ जो मैंने एक रात पहले करे। देखो, यूएसपी वाटर असिस्टेंट, बदतमीज, ठीक है, वाटर असिस्टेंट। ये देखो, ये नॉइस के एयरबड्स हैं। देखो, ये मेरा काम है, 4 साल का काम है। क्वेश्चन पेपर का आरोप लगेगा। नहीं नहीं, वो भी तूने नहीं बनाया, इसे ना बनाया। बकवास मत कर। बताया, ठीक है। एक यूएसपी में मैंने 4 ऐड बनाई, ये देख लो क्या बढ़िया बनाए हैं। और नॉइस कैंसिलेशन के ऊपर ये देखो ये सर को दिखा के नॉइस की स्पेलिंग देख। सर को मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। अबे नहीं, ओ शिट, ओ यहाँ पे तो मैं ओ खुश देख, और ब्लॉग में भी दिखा रही है यार। मैंने सच में ध्यान नहीं दिया, मुझे पता ही नहीं। तेरा काम हो गया, अब इसे बंद कर दे। सुन अब इसे बंद कर दे। हो गया बस खत्म करा, बंद कर। अरे कुछ नहीं करी, हो नहीं सकता, हो नहीं करी, बस हो गया, निपट गया। बकवास कर, सर ने अच्छा बोला मेरे को। बाय बाय भाई, हमारा बोलिंग का प्लान था, कैंसिल हो गया। अब पता नहीं अब हम कब मिलेंगे। है भाई, इसकी वजह से प्लान कैंसिल हुआ है आज घूमने का, इसकी वजह से। साथ में कहाँ बिता रहे, तू तो घर जा रहा है अभी भी। तू चलेगा मूवी? मूवी मैक्स ना? नहीं, ये 220 का भी तो, उससे पहले नहीं चलेगा पक्का। घर नहीं जा रहा मैं, तो हमारे साथ भी नहीं आ रहा। और उसके बहुत काम है, आखिरी दिन दोस्तों आज, मतलब आज के बाद हम पता नहीं अब कब ही मिलेंगे, शायद ही मिलेंगे, शायद ही। अब सीधे विपुल की शादी में मिलेंगे, सबसे पहले इसी की होगी। वैसे बोलेगा तो जरूर, पहले इसकी होगी, फिर तेरी होगी कि तेरी होगी? मेरी होगी। फिर तेरी होगी, फिर तेरी होगी, मेरी सबसे लास्ट होगी। देव भी आगरा निकल जाएगा कल। हाँ, बिना क्या, अब थोड़ा दोस्तों आखिरी बार देख लो मेरे व्लॉग में कॉलेज की शक्ल, इसके बाद बहुत लंबे टाइम बाद ही दिखेगा। और कॉलेज के दोस्तों की शक्ल 10 दिन बाद मैसेज कर देंगे, आ जाओ ये काम रह गया। अभी तो बहुत बार बोला वो तो, सब तो ठीक है, पर ये तो अपना सामान बांध के जा रहा है आगरा। ये कैसे आएगा? एक दिन बोलेंगे रिपोर्ट कार्ड लेने, फिर इस पे साइन करवाने हो, क्या करेगा कॉलेज आके फिर तू? मैं पढ़ने तो वैसे ही नहीं आया था। हाँ, तो जो चल रहा था वो चलता रहेगा। एच ब्लॉक, ओ ये खुशी खुशी भाग रहे। अच्छा हेलो, नहीं जा रहे एच ब्लॉक, क्योंकि जिस मोटिव से ये लोग एच ब्लॉक जाना चाह रहे थे वो मोटिव ही नहीं है एच ब्लॉक पे। एच ब्लॉक इज एम्प्टी, एम्प्टी हो रहा है। चलते हैं अंदर, अंदर 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 सब खुल गया, नया बना दिया अच्छे से। बोलिंग करने चल, किधर गुलशन? घर जा रहा हूँ, कल से क्या करूँगी यार, घर जाना नहीं। देखो मुझे याद आएगी सबकी, तेरे को मेरी याद आएगी? किसकी आएगी? अबे करवाली बेइज्जती, बेइज्जती करवाली। तेरे को आएगी मेरी याद? नहीं।
मुझे तो आएगी मेरी, मुझे तो आएगी भी नहीं, मुझे तो आएगी मेरी यार, इन लोगों की तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। कौन करेगा इनको मिस, क्या आएगी आएगी, ये तो पड़ोसी है, इसके तो रोज शक्ल देखने को मिल जाएगी। कोई पड़ोसी नहीं, मैं तेरा कॉलेज खत्म, रिश्ता खत्म, रिश्ता खत्म, इसी पल से, अब तू इसी पल से क्या मेरे साथ, तू घर भी नहीं जाएगी। अबे अब मैं अपने नए दोस्त बनाऊंगा, नए कॉलेज जाके, नए कॉलेज ही खत्म नहीं होगा तेरे जिंदगी में। मैं नया कॉलेज जाने वाला हूँ, वैसे मैं फिक्र नहीं, और उसमें मैं नए दोस्त बनाऊंगा, थोड़े अच्छे दोस्त हूँ, दोबारा कॉलेज चले, ओए मास्टर्स कर लेते हैं, मास्टर्स कर लेते हैं, हाँ चलो चंडीगढ़ से मास्टर्स, मेरे घर वालों ने हां कर दिया, मेरे भाई ने बोल दिया चलो फिर, बोल दिया पापा ने, दो साल और कॉलेज पढ़ते हैं मास्टर्स, तो भाई बाय बोल दिया। और आज वाला बाय तो बहुत अजीब सा दिल में लगा, मतलब मैंने व्लॉग नहीं करा क्योंकि हो नहीं पाया यार, अच्छा सा नहीं लग रहा था, पागल है ना। पर यार सही में आज बाय बोलते टाइम ना ऐसा लगा कि भाई कब मिलेंगे, हमारा प्लान भी कैंसिल हो गया, जो आफ्टर पार्टी थी वो भी कैंसिल हो गई क्योंकि काफी बच्चों के घर वाले नहीं मान रहे थे, फिर हमने सोचा हम चारों करते, फिर वाला प्लान भी अभी कैंसिल हो गया। कल देव को निकलना है आगरा, तो उसे पैकिंग करनी है, वो यहाँ से शिफ्ट कर रहा है वापस आगरा। हमने सोचा वैसे बीच में एक प्लान बनाने की, हम चारों प्लान बनाएंगे, भाई अभी तो तुम्हें कितने बारी कॉलेज आना पड़ेगा। हाँ ये तो है, अभी कॉन्वोकेशन भी होगी, अभी बहुत कुछ, और अभी जो एकदम लास्ट दिन होगा ना, एकदम लास्ट की भाई, अब तो आना, यहाँ तो नहीं आना, मतलब एटलीस्ट इस जगह नहीं आना, उसके बाद होता है कि फिर मिलने का सीन हो या ना हो, तब चांस होता है नहीं मिलेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, तुम्हारे फर्स्ट टाइम कॉलेज आना, इसलिए तुझे ऐसा लग रहा है। तेरा क्या, तूने पहली बार आधा तो करा था कॉलेज, आधा तो करा, उसी में पता लग गया था ना। अभी मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अब पैसे ही कमी थोड़ी है, यू प्लान बना लेंगे, ट्रिप स्पॉन्सर कर देंगे इनका, तुम्हारे सबका ट्रिप स्पॉन्सर कर दूंगी मैं, जब मुझे याद आएगी ना मैं सबका ट्रिप स्पॉन्सर करके हम ट्रिप पे निकल लेंगे, है ना। बस सीधा ही बोलियो कि जहाँ हो बस आ जाओ, हाँ। रहना खाना पीना सब, सब मेरी जिम्मेदारी है, ये करने के लिए तैयार हूँ मैं, पर तुम लोग को आना पड़ेगा, तू तो आ ही जाएगा मुझे पता है, फ्री का खाने आया हूं ऑलवेज देयर। हां दोस्तों अभी मैं इतनी जल्दी जल्दी रेडी होके घर आई, जल्दी जल्दी बोला भी नहीं जा रही, इतनी जल्दी तो कहीं से नहीं आई, मतलब इतना भी नहीं लगा, दो तीन मिनट लगे, मतलब पांच मिनट, दो तीन मिनट लगे, पांच मिनट, दो तीन मिनट तो ऊपर पहुंच भी नहीं सकती किसी आदमी, ऊपर नहीं पहुंच सकती। हुआ क्या कि हम घर पहुंच ही गए थे, इतने में प्लान बन गया, आधे रास्ते में प्लान बन गया, ठीक है कि हम जा रहे हैं कुछ खाने अच्छे रेस्टोरेंट में, ठीक है। फिर हम घर पहुंचने ही वाले थे, मतलब मेरे घर आ ही गया था, तो फिर मैंने इसको बोला, मैंने कहा यार मैं ऐसे कपड़ों में नहीं चल रही, मेरे को चेंज करना, मैं थोड़ा रेडी वेडी होके आती हूँ तब चलते हैं। मैंने इसको रुकवाया, पर गलती से हम दोनों ने ट्विनिंग कर ली, हाँ। तो अभी हम फटाफट से मैं रेडी होके नीचे आई, अब हम जा रहे हैं कुछ खाने के लिए मस्त से रेस्टोरेंट में, मैं देव ये और हमारे एक और दोस्त जा रहे हैं, विपुल तो घर चला गया, विपुल नहीं जा रहा है, विपुल वो दोस्त जा रहे हैं, जीरो डिग्री से गए थे अभी तीन, हाँ चलते हैं गाइस कुछ खाने चलते हैं, लग रही है। हम पहुंच गए फाइनली, जो गाड़ी से बाहर निकल के तो ऐसा लग रहा है आग लग रही होगी, आग तो पेट में लग रही है कुछ खाने की, वो तो हमेशा ही लगती रहती है, कोई नई बात नहीं है। चलो भाई चलते हैं हम, तो भाई अभी हमने मस्त खा पी लिया बहुत ज्यादा, पेट एकदम भर गया है। अबे भाई तो बोल ले, कितना खा लिया, भागी जा रहे हैं, आखिरी दिन है वैसे भी, पता नहीं कब शक्ल दिखेगी। 3,000 का खा लिया गाइस इन्होंने मेरे पैसों पे, अबे जा, सबसे पैसे लिए इसने, ओए किसी से नहीं लिए ना, किसी ने दिए, अभी निकाल दूंगा हिस्ट्री, लिए ना पेटीएम की हिस्ट्री, लिए ना देव, अबे आखिरी दिन है कुछ तो शर्म कर ले, तमीज से बात कर ले उससे, नाच ना एक बारी, तू मुझे पैसों से खरीदना चाह रहा है, ये भी मेरे ही है, लव इट, यम गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली है, एक बार कर दे भाई, नॉट ऑन द रोड साइड, तूने पूरी क्लास के सामने करा था, यहाँ से हम चाह रहे, अरे भाई नहीं कर कर कर, चल 3, 2, 1, अबे ओ जल्दी नहीं कर रहा ना, बर्थडे आ रहा है तेरा, सोच ले गिफ्ट नहीं चाहिए, तो डांस कर अभी, कर नहीं करना, देव की आखिरी इच्छा तो पूरी कर दे। तो दोस्तों आज है नेक्स्ट डे और देव चला गया है आगरा, और मैं तो अभी हूँ यहाँ, इस साल तो हूँ मैं नोएडा, अब पता नहीं मैं कहाँ जाऊँगी फिर उसके बाद, अक्टूबर नवंबर तक तो हूँ शायद मैं यहाँ, फिर मैं भी शायद इधर उधर निकल जाऊँ, कुछ कह नहीं सकते। तो बस धीरे धीरे करके सब चले गए, अब जितने लोग घर से दूर आए थे कॉलेज के लिए सब जा रहे हैं अपने घर वापस। सुबह सुबह ना देव ने फोटो भेजी जाते हुए कि ऐसे करके, तो बड़ा अजीब सा लगा, बुरा बुरा सा लगा काफ़ी, पर कोई बात नहीं दोस्तों, क्या ही कर सकते हैं, पार्ट ऑफ लाइफ है, सब चले जाएंगे। अभी शायद कॉलेज वाले बुलाएंगे, एक दो एक्सटर्नल बच्चे हैं जो कि अभी टाइम में जिनमें होने में, तब मिलेंगे, तब आप लोगों को भी मिलाएंगे उनसे। तो फिर मैं कह रही थी आज के ब्लॉग के लिए इतना ही, आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया, वो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब कर दीजिए, हर एक दिन छोड़ के ठीक 2 बजे मेरा ब्लॉग आता है, तो सब्सक्राइब कर दो यार। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू बाय।